हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के वीडियो में 11 सितंबर 2012 के बारे में। 11 सितंबर 2012 जो चंद्र राशि है वो मिथुन है और नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु है। देखते हैं राशि चक्र की प्रत्येक राशि को आज का दिन कैसा रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात को 9:14 तक चंद्र राशि मिथुन रहती है और उसके बाद राशि कर्क होती है। राशि मेष के लिए चंद्र जो है वो पराक्रम स्थान में है, बड़े साहस कर सकते हैं आज, साहस में वृद्धि होगी और साहस से लाभ रहेगा। वृषभ राशि को कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होगी, हालांकि फैमिली में थोड़ा टेंशन भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में आज चंद्र महाराज हैं। मिथुन राशि को चंद्र के ऊपर से ही चंद्र का भ्रमण है जो शुभ माना जाएगा। कर्क राशि को चंद्र है 12वें स्थान में, यात्रा प्रवास में धार्मिक कार्य में खर्च हो सकता है। सिंह राशि के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। कन्या राशि को चंद्र 10वें स्थान में है, बिजनेस में बड़ा काम हो सकता है आज और बड़ी यात्रा से लाभ हो सकता है। तुला राशि को चंद्र जो है वह भाग्य स्थान में है, भाग्य में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि को चंद्र जो है वो अष्टम स्थान में है, रात को 8:14 तक फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना पड़ेगा और धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में खर्च हो सकता है। धनराशि को चंद्र जो है वो सप्तम स्थान में से चलेंगे, सप्तम स्थान में चलने वाले चंद्र जो है वो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा केयर करना पड़ेगा, दर्शन ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए। मकर राशि को चंद्र 6वें स्थान में है, रोग एवं शत्रु पर विजय मिलेगा। कुंभ राशि को जो चंद्र है वो पंचम स्थान में से चलेंगे, पंचम स्थान में चलने वाला चंद्र दाम्पत्य जीवन मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से लाभ मिल सकता है और संतान के लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। और 12वीं जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है, मीन राशि को चंद्र चतुर्थ स्थान में से चलेंगे, चतुर्थ स्थान में चलने वाला चंद्र जो है वो प्रॉपर्टी मैटर में से अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करवा सकते हैं। देखते रहिए डेली राशि भविष्य, दैनिक भविष्य हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करें चैनल एस्ट्रोलॉजी 74। गुड लक एंड गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।